नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम डेटा रिप्रेजेंटेशन और नंबर सिस्टम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हिंदी में इसे डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम ही कहते हैं। बेसिकली इस टॉपिक में जो क्वेश्चन होंगे वो आपके नंबर सिस्टम से ही होंगे, जिसमें आपके बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल इस तरह की जानकारी आपको पढ़ाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल है, एक बिट का मतलब है। तो एक बिट का मतलब क्या होता है? नंबर सिस्टम के अंदर एक बिट का मतलब होता है एक बाइनरी डिजिट। ठीक है, तो ऑप्शन जो एक है यहां पर आपका सही है। एक बाइनरी डिजिट का मतलब ये है कि नंबर सिस्टम के अंदर जो आपका बाइनरी नंबर होते हैं उसमें केवल दो तरह के अंक आपको देखने को मिलते हैं, एक और जीरो। यहां पर नीचे एग्जांपल में आप देख सकते हो एक या फिर जीरो। तो एक बिट जो होता है ना वो एक बिट या तो कोई एक होगा या फिर वो संख्या जीरो है। इसने कहा बाइनरी डिजिट, तो बाइनरी डिजिट दो तरह के होते हैं, एक और जीरो। तो या तो वो जीरो है या फिर वो एक है, वो एक बिट है। दूसरा प्रश्न है, ASCII का पूर्ण रूप है। तो ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है? ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि ऑप्शन बी यहां पर आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर के अंदर जानकारी को स्टोर करने और प्रोसेसिंग करने के लिए किस प्रकार के नंबर सिस्टम का इस्तेमाल होता है? तो उसके लिए जो है बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है, जिसमें आपकी 0101 इसी फॉर्मेट में जो है आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर डेटा स्टोर होता है, और इसी फॉर्मेट में डेटा जो प्रोसेसर होता है, जो आपका सीपीयू होता है, उसके अंदर प्रोसेस होता है। चौथा प्रश्न है, 1 मेगाबाइट लगभग डैश के समान होता है। तो 1 मेगाबाइट जो है किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट जो होता है वो 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे हम बिट कहते हैं, यानी कि सबसे छोटी जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो होती है बिट, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है पांचवें प्रश्न का। यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो जो मेमोरी है उसका स्ट्रक्चर छोटे से बड़े की तरफ लिखा हुआ है। सबसे छोटी होती है बिट, उसके बाद निबल, उसके बाद बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीबी यानी गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट, उसके बाद पेटाबाइट, उसके बाद एक्साबाइट भी होता है। ठीक है, इसके बाद आगे भी होती हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी आपकी बिट। ठीक है, तो बिट में आपका क्या होता है, या तो एक नंबर, एक बाइनरी नंबर है, या फिर जीरो नंबर है, कोई भी बाइनरी डिजिट हो सकता है। उसके बाद 4 बिट मिलकर के एक निबल बनाते हैं, उसके बाद 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनाते हैं, उसके बाद 1024 बाइट मिलकर के एक किलोबाइट बनाते हैं, और किलोबाइट के आगे एमबी, जीबी, टीबी, पीबी ये सब क्या होते हैं, 1024 मल्टीप्लाई होते हुए आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद है छठा प्रश्न, कितनी बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? तो 1 बाइट। ठीक है, तो कितनी बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? तो मैंने आपको बताया था ऊपर की सीरीज में कि 1024 बाइट मिलकर के 1 किलोबाइट बनाते हैं, क्योंकि 1024 का साइकिल आगे की तरफ चलता रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1024 बाइट मिलकर के 1 किलोबाइट बनाते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी एमसीक्यू ईबुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ईबुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ईबुक कवर करती है SSC, रेलवे, बैंक, DRDO, CCC, ITI, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को, जहाँ पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000+ क्वेश्चन, जो कि पुराने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है? तो स्टोरेज को मापने के लिए हम किस यूनिट का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टीबी। टीबी यानी कि टेराबाइट। 1024 जीबी, जो आपका गीगाबाइट होता है उसके बाद आते हैं आपका टेराबाइट। ठीक है, तो 1024 जीबी बन करके आपका 1 टेराबाइट बनता है, जो कि ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है। आठवां प्रश्न है, बाइनरी नंबर प्रणाली में निम्न में से कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1, जो कि ऑप्शन बी यहां पर आपका सही है। नौवां प्रश्न है, डैश संख्या के द्विआधारी कोड में विद्युत स्पंदन का नय होना दर्शाता है। तो जो आपके बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं द्विआधारी का मतलब जिनका बेस 2 होता है, क्योंकि बाइनरी जो नंबर होते हैं आपके 0 1 उनका बेस 2 होता है। ठीक है, तो उसमें विद्युत स्पंदन का नय होना दर्शाता है। तो विद्युत स्पंदन यानी कि आपने दिवाली पर देखा होगा इस तरह की, नीचे एग्जांपल में आप देख सकते हो इस तरह की जो एलईडी लाइट्स होती हैं दिवाली पर लोग अपने घरों में लगाते हैं, स्टाइलिश होती हैं, एक बार जलती हैं फिर बंद होती हैं, तो जो फैशनेबल होती है उनमें क्या होता है, एक बॉक्स दिया जाता है उनके साथ में, उस बॉक्स में ठीक है एक प्रोग्राम सेट किया जाता है जिसे एम्बेड प्रोग्राम कहते हैं। वो प्रोग्राम क्या करता है, वो डिजिटल फॉर्म में काम करता है, 0101। तो वो जो एलईडी जब जलती है, जब वो एलईडी ऑन होती है, तो उस समय उसमें एक आउटपुट निकलता है
अगर एलईडी बंद है तो उस समय आउटपुट जीरो होता है, जीरो होगा तो बंद होगी एलईडी, वन होगा तो एलईडी जलेगी। तो इसने कहा कि विद्युत स्पंदन का न होना, अगर लाइट जल नहीं रही है, लाइट बंद है, तो उस स्थिति में ऑप्शन बी यहां पर आपका सही होगा, जीरो आउटपुट निकल रहा है नंबर सिस्टम के अंदर। अगर एलईडी जल रही है तो एक है, अगर एलईडी बंद है तो उस समय जीरो है। 10वां प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो कंप्यूटर के अंदर किसी भी शब्द की जो लंबाई है वो बिट में मापते हैं, जो कि ऑप्शन बी यहां पर आपका सही है। यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है कि मॉडर्न प्रोसेसर इंक्लूड एम्बेडेड सिस्टम, यानी कि आधुनिक जो प्रोसेसर है इसके अलावा जो एम्बेडेड सिस्टम है यूजुअली हैव ए वर्ड साइज ऑफ, उसके अंदर कितना वर्ड साइज होता है, 8 बिट होता है, 16 बिट, 24 बिट, 32 बिट और 64 बिट। ठीक है, वाइल मॉडर्न जनरल पर्पज कंप्यूटर्स यूजुअली यूज 32 और 64 बिट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जब भी आप कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हो तो उसमें आप पूछते हो कि ये 64 बिट में है, 32 बिट में है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बिट इसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है कि वो प्रोसेसिंग करते समय कितने अधिक, ठीक है, मैक्सिमम कितने लंबे वर्ड्स को जो है प्रोसेस कर सकता है एक साथ में, तो वो आपका 64 बिट होता है। ठीक है, 64 बिट, 32 बिट। तो 10वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है, किसी भी शब्द की लंबाई होती है, वर्ड की जो लेंथ होती है वो बिट में मापते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।